दोस्तों, जहां एक ओर अपनी फिल्म टाइगर 3 के लिए सलमान खान जिम में पसीना बहा रहे हैं, वहीं वह अपने भाई अरबाज खान के टॉक शो पिंच के दूसरे सीजन के प्रीमियर एपिसोड में नजर आए। पिंच 2 में अरबाज खान शो के फॉर्मेट के हिसाब से सोशल मीडिया पर किए जाने वाले ट्वीट्स पर गेस्ट से सवाल पूछते हैं। इनमें कई ट्रोल्स भी होते हैं। सलमान खान के साथी अरबाज ने भी यही किया। इस दौरान एक मजेदार ट्वीट में यूजर ने दावा किया कि सलमान खान शादीशुदा है और उनकी यह सीक्रेट फैमिली दुबई में रहती है, जिसमें एक 17 साल की बेटी भी है। गेस्ट बनकर आए भाईजान सलमान ने इसका मजेदार जवाब भी दिया। सलमान खान ने बकरीद के मौके पर बुधवार को इस एपिसोड का लिंक ट्वीट करते हुए फैंस को ईदी भी दी। अरबाज ने इस दौरान कहा कि अधिकतर ट्वीट्स यकीनन पॉजिटिव होते हैं, लेकिन कुछ ट्वीट्स ऐसे होते हैं जिनमें अजीब दावे किए गए हैं। इनमें से ही एक ट्वीट में बीते साल एक यूजर ने लिखा कि सलमान खान सीक्रेट शादी कर चुके हैं, उनकी 17 साल की बेटी है और यह फैमिली दुबई में रहती है। यूजर ने ट्वीट में लिखा है, कहाँ छुपा बैठा है डरपोक, भारत में सब जानते हैं कि तू दुबई में अपने बीवी नूर और 17 साल की बेटी के साथ है। भारत के लोगों को कब तक मूर्ख बनाएगा। सलमान खान ने जब यह सुना तो वह भी अवाक रह गए। उन्होंने पूछा कि यह किसके बारे में है। इस पर अरबाज ने कहा कि यह आपके ही बारे में है। सलमान खान ने इसके जवाब में कहा, इन लोगों के पास बहुत जानकारी है, यह सब बकवास बातें हैं। मुझे नहीं पता कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं और उन्होंने यह क्यों पोस्ट किया है। क्या इस आदमी को वाकई ये लगता है कि मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा। सलमान खान आगे कहते हैं, भाई मेरी कोई बीवी नहीं, मैं भारत में रहता हूँ, 9 साल की उम्र में गैलेक्सी अपार्टमेंट में रह रहा हूँ। मैं इस आदमी के दावे पर कुछ नहीं कहना चाहूंगा, पूरा देश जानता है कि मैं कहां रहता हूं। इसी कड़ी में आगे अरबाज ने एक दूसरे यूजर को ट्वीट पढ़कर सुनाया, जिसमें कहा गया कि सलमान खान का घर अय्याशी का अड्डा है। इसके जवाब में सलमान ने कहा, आपने मेरे घर में ऐसा क्या देख लिया जो आपको यह अय्याशी का अड्डा लगने लगा। पिंच 2 के कई प्रोमोज पहले ही आ चुके हैं। शो के दूसरे सीजन में अनन्या पांडे, टाइगर श्रॉफ, फरहान अख्तर, कियारा आडवाणी, राजकुमार राव और फरहान खान के साथ ही आयुष्मान खुराना भी मेहमान बनकर आने वाले हैं। अरबाज पहले ही कह चुके हैं कि उनका यह शो इस बार पहले सीजन से भी बड़ा होने वाला है। अरबाज खान ने शो के पहले सीजन में सलमान खान को इनवाइट नहीं किया था। जब इस बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं चाहता था कि पहला सीजन अपने बूते सफल हो, इसलिए मैंने पहले सलमान को नहीं बुलाया। तो दोस्तों, सलमान खान के शादीशुदा होने पर आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।